प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंडल के आयुक्त सभागार में मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी, जिलाधिकारी विजय किरण आनंद सहित शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया कि स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ 4 अप्रैल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा श्रावस्ती जनपद से किया जाएगा तथा जनपद के समस्त परिषदीय विद्यालय, ब्लॉक, संसाधन केंद्रों एवं जनपद कार्यालय पर मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण की समुचित व्यवस्था की जाए। इसके साथ ही जनप्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसको देखते हुए जनप्रतिनिधियों द्वारा विद्यालय के विकास के लिए एक विद्यालय गोद लिए जाने की योजना बनाई जाए। उन्होंने कहा, स्कूल चलो अभियान 4 अप्रैल से शुरू होकर 30 अप्रैल तक चलेगा, जिसको देखते हुए स्कूल चलो अभियान को सफल बनाने के लिए विद्यालय के अध्यापक व अध्यापिका घर घर जाकर बच्चों को स्कूल चलो अभियान से जोड़ने के लिए अभिभावकों को प्रेरित करें, ताकि वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए भेजें तथा इस वर्ष से पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को मूलभूत सुविधाओं के साथ बेहतर शिक्षा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने विधायक व सांसदों से कहा कि वह एक एक विद्यालय को गोद लें और पढ़ाने वाले शिक्षक भी विद्यालय को गोद लेकर छात्रों को बेहतर शिक्षा देने का कार्य करें, क्योंकि प्राथमिक विद्यालय के छात्रों को बेहतर शिक्षा देने से प्राथमिक विद्यालयों की छवि अच्छी होगी और लोग अपने बच्चों को विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजेंगे। मुख्य सचिव ने कहा कि हर बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती हो तथा बेसिक शिक्षा से जुड़े हर विद्यालय में पेयजल, टॉयलेट, स्मार्ट क्लास और फर्नीचर की व्यवस्था सुनिश्चित करें और सभी विद्यालयों में बच्चों के लिए यूनिफॉर्म और जूते मोजे की व्यवस्था हो। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, नामांकन है उसको प्रोत्साहन देने के लिए विभाग द्वारा कराया जाता है और सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ कर इसके लिए धनराशि भी BSS को दी जा चुकी है और हर विद्यालय को 1,000 रुपये और BSA को 2,000-2,00,000 रुपये कार्यक्रम कराने के लिए ऑलरेडी निर्गत किया जा चुका है, निर्देश दिए जा चुके हैं सर, जो कि पूर्व वर्षों की तरह ही है और स्कूल चलो अभियान अब संचालित किया जाना है सर। जो पिछले 5 वर्षों में सर इसने इसके जो परिणाम आए नेक्स्ट सर ये सामने है सर, 1,52,00,000 से नामांकन 2016-17 में जो नामांकन था आज की तिथि में पिछले वर्ष सर ये 1,73,00,000 पे है सर। ये हम लोगों ने इसके जिलाधिकारियों के लिए और BSS के लिए ये अनुरोध जारी कर दिया है कि सभी परिषदीय विद्यालयों में और ब्लॉक रिसोर्स सेंटर जो है उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का जो 10 से 11 का कार्यक्रम होगा, सम्मानित जनप्रतिनिधियों को इसके लिए अनुरोध भी करेंगे कि एक एक स्कूल एक एक विद्यालय को वो बोल लें और उसमें ये देखें कि सभी इंफ्रास्ट्रक्चर के जो कार्यक्रम है और गुणवत्ता जो है पढ़ाई की, और ये कार्यक्रम सर पूरे 1 माह चलेगा, पूरे अप्रैल तक ये चलेगा। अभिभावकों को बुला करके सम्मानित किया जाए और जो विद्यालय प्रबंध समिति है उनके सदस्यों से यह अनुरोध किया जाए कि हाउस टू हाउस दूर करें, तो सर्वे का एक पर्पस ये भी होना चाहिए कि उसको आइडेंटिफाई करें कि किन कारणों से, हो सकता है व्यक्तिगत कारणों से, हो सकता है कि परिवार के कारणों से निर्भरता, हो सकता है दूर करने की जरूरत है। जिन प्रधानाध्यापकों ने नामांकन में पिछले वर्षों में सर्वोत्तम प्रदर्शन किया है ऐसे प्रधानाध्यापकों को बुला करके सम्मानित किया जाना चाहिए। जिन ग्राम प्रधानों ने उपदेश किया है ऐसे ग्राम प्रधानों को या और कोई व्यक्ति है उनको बुला करके सम्मानित किया जाना चाहिए, ताकि बाकी लोगों के लिए वो एक उदाहरण बने और बाकी भी इंस्पायर करें कि उस काम को करें और फिर एक माननीय मुख्यमंत्री जी का एक आइटम उसमें दे दें, पूरी सब्जी हो सकती है तो वो स्थानीय स्तर पर आप करें। सर मैंने इसमें ये भी डाल दिया है ताकि जिलाधिकारियों से अनुरोध रहे, एक बार ये देख लें उनके जनपद की तस्वीर उनके सामने होगी, जैसे स्वच्छ पेयजल व्यवस्था है तो 94% पे हम लोग हैं सर अभी, उसी तरह बालकों के लिए शौचालय 91% पे है, बालिकाओं के लिए ड्रेसिंग शौचालय 92%, जल की जो व्यवस्था है ये शौचालयों में ये 80% है, शौचालयों का डायरीकरण 76% है, दिव्यांग शौचालय 29% पे ही है,
तो ये अपने अपने फिगर्स देख करके जनपद में हैंड वॉशिंग 26%, किचन से 89%, टाइलीकरण कक्षों का 56%, ब्लैक बोर्ड जो है वो 100%, विद्यालय भवन की रंगाई पता है 95%, दिव्यांग के लिए जो रैंप है वो 85%, विद्युत उपकरण आधे 92%, विद्युत संयोजन 80%, ओवर हेड टैंक के साथ जल व्यवस्था 81%, बालकों के लिए यूरिनल 70%, बालिकाओं के लिए 72%, फर्नीचर 29% और स्कूल की चार दीवारी 71%। तो डीएम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बीएसए के साथ बैठ करके जिनने जिन आइटम्स को उनके जनपद पीछे हैं उनको देख ली कि कहाँ से जब फेरी करेंगे। हम लोगों ने पंचायत विभाग से ऑलरेडी ये रिक्वेस्ट किया। आपका ये साल बहुत सफलता का साल हो, बहुत सारे आपका अच्छा स्वास्थ्य मिले, आपका परिवार खुशहाल हो और आप लोग ऐसे कुछ काम करें जो कि देश आपके उस काम से बहुत जो जो जिस लक्ष्य को लेकर चलना उसकी प्राप्ति हो। साथ ही साथ आज हमारा जो है नवरात्र का बहुत शुभ दिन है, पहला दिन है नवरात्र का, पहला दिन है तो इसके लिए भी मैं सारे लोगों की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। अभी हम लोग अभी बात करने जा रहे हैं आगामी चार तारीख को, आज 2 तारीख है, 2 दिन के बाद जो कार्यक्रम है स्कूल चुनाव अभियान जिसका शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री करेंगे उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। इसके पहले कि मैं आपसे बात करूं, ऐसा ये प्रोग्राम कोई नया प्रोग्राम नहीं है, ये अभी दीपक साहब ने जो दिखाया उसके मुताबिक लगभग 31 लाख की वृद्धि की गई है, पिछले 4-5 सालों में वृद्धि की गई है। ये कैसे हुई है सारा आप लोगों ने किया है, आपके पूर्वाधिकारियों ने किया है, आप सबने मिलकर किया है, तो मैं सुनना चाहूँगा, 2-4 लोगों को सुनना चाहूँगा, कुछ एक पीएम्स को कुछ एक कमिश्नर्स को सुनना चाहूँगा, बेसिक शिक्षा अधिकारी भी मैंने कहा था कि इसमें रहने के लिए उनको भी सुनना चाहूँगा कि आपने क्या क्या जो सक्सेसफुल किया। आई मीन देयर इज अ सक्सेस स्टोरीज, तो लेट मी स्टार्ट विद फ्यू बेसिक शिक्षा अधिकारी जो एक दो को मैं सुनना चाहूँगा, उन्होंने क्या काम किया जिससे कि स्कूल चुनाव अभियान में उनके जिले ने बहुत अच्छा सक्सेस किया, या जो ऑपरेशन आया उसमें बहुत ज़्यादा बेहतर काम किया, जो तमाम सारी आधारभूत सुविधाएं होती है उन सुविधाओं को पूरा करने आज माननीय मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में सभी जिलों के स्कूल चलो अभियान जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 4 तारीख को जनपद श्रावस्ती से प्रारंभ किया जा रहा है उसके संबंध में दिशा निर्देश दिए गए और जो विभिन्न जनपदों में जो सबसे सराहनीय कार्य हुए हैं उसके उदाहरण भी हमें दर्शाया गया। यहाँ पर पूरी तैयारी की जा रही है और सभी बच्चों का नामांकन सुनिश्चित कराते हुए उनके ठहराव के लिए, उनके शैक्षिक गुणवत्ता के लिए जो प्रयास किए जा सकते हैं उसके संबंध में कार्रवाई की जाएगी, कार्ययोजना की गई बनाई गई है, उसके अनुसार आगे कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।